एक मिनट रोक देना, इधर इस तरफ करके, इस तरफ से 9 साल बताई जा रही है इसमें कि गुलजार की जो 8 से 9 साल इसकी उम्र होगी। एक शावक का भी शायद है कोई इसके अंदर में छोटे साथ। हाँ, तो ये तो हम लोग उसका इसका जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा उसके बाद में इसको और हम लोग और आइडेंटिफाइड कर देंगे ऑथेंटिकली। और जैसा प्रेस नोट में है कि हमारी टीम को ये 26/1 को कल की को SOG प्रभारी विकास ये मैंने आगे आगे वाले पाए में एक ईंट लगा दो, न्यू डिस्प्ले हो जाएगा आगे चलता आगे वाले को आप लोग आगे वाले पाए में ठीक है ना, ईंट लग जाएगी ना, क्यों करेंगे बस का थोड़ी थोड़ी हो सकता है आदमी हो जाए नीचे लगा दो थोड़ी नीचे हम पकड़ लेंगे मैं गिर नहीं अच्छा उसको उससे दबा दो ना वो से फोन लेंगे फुल जाओ फुल अरे SOG आगे देख लो, अरे यहाँ ले आना रात की 8 बजे की ही घटना है। उनसे पूछताछ जारी है, जहाँ तक संभावना है ये उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ से पे गुलदारों की ज़्यादा समस्या है उन स्थानों पे इन गुलदारों को मारा गया है। 7 खालें बरामद हुई हैं, पूछताछ जारी है। कुछ समय पश्चात 2-4 घंटों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ से मारा और कहाँ ले जा रहे थे। लेपर्ड की खाल बजाय टाइगर की काफ़ी सस्ती है, तो खास टाइगर की जो पोचिंग की घटना है जो आपका वन प्रभाग है तो क्या कुछ सतर्कता बढ़ाई है? टाइगर पोचिंग वाले जो इलाके हैं, टाइगर जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वो क्षेत्र आमतौर पर वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहाँ पर वन्य जीवों के लिए गश्त का विधिवत प्रावधान है। जबकि ये गुलदार जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वो उच्च पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर अन्य टाइगर वगैरह और बड़े हाथी वगैरह इन जानवरों की बाहुल्यता नहीं होती, नहीं के बराबर होते हैं। इसलिए उस प्रकार की सेंसिटिविटी हमारे स्टाफ में और आम जनता में भी वन्य जीवों के प्रति नहीं होती, जिसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अपनी चेकिंग के दौरान में ये हमारे 7 गुलदारों की जो खालें जो हैं वो बरामद हुई हैं और साथ साथ कुछ उनके बॉडी पार्ट्स जो हड्डियाँ और एक सर का वो स्कल बरामद हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस बरामदगी के बाद में सर्टनली हमने एक जो वाइल्ड लाइफ क्राइम करने का जो ऑर्गेनाइज गिरोह जो काम करता था उसको ब्रेक करने में हमने काफ़ी अच्छी सफलता पाई है और उम्मीद करते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी इनसे जो तथ्य जो सामने आएंगे उसका जो इनके जो मेजर किंगपिन है उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनका ये शिकार करते थे, देखिए बेसिकली इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये दुरस्त के गाँव में
ये कोई मरे हुए जानवर में वो पॉइजनस एलिमेंट कुछ मिला देते थे जिससे कि गुलदार के खाने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी। फिर वो नियर बाय में सर्च ऑन करते थे अपना और जाके उनकी बॉडी को रिकवर करते थे और बहुत ही प्रोफेशनली ढंग से, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक रूप से जो खालों को देखने के बाद लगा है कि बड़ा प्रोफेशनल ढंग से इनको निकाला गया है, तो इसको निकाल के इसको ये स्टोर करते थे और इनका जो भी जो नेटवर्क जो था उनसे ये अपने संपर्क में आने की कोशिश करते होंगे, जो जो कि हम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनको जिनके लिए इन्होंने ये सप्लाईज जो है यहाँ से उन लोगों ने इसको क्रिएट किया था। जी ये मैंने आगे आगे वाले पाए होंगे कि ईंट लगा दो आगे चल रहा है वन को आगे वाले पाए होंगे ठीक है ना, ये कट जाएगी बस काम थोड़ी थोड़ी हो रहा है आदमी थोड़ी नीचे हम पकड़ लेंगे।